सो एक चीज जो लोगों को बिटकॉइन के बारे में पसंद है ऑब्वियसली, क्योंकि इसकी कंट्रोल, इसकी सप्लाई, इसका प्रोडक्शन किसी भी एक गवर्नमेंट, किसी भी एक एंटिटी, किसी भी एक कंपनी के पास नहीं है, तो ऑब्वियसली लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है कि भाई बिटकॉइन के साथ इन्फ्लेशन से वो बचा सकता है बिटकॉइन एंड मेनी मोर थिंग्स, राइट? बट आई थिंक द बिगेस्ट नीड फॉर बिटकॉइन कम्स कि जब कंट्रीज में मतभेद होता है, यू नो, सो जैसे कि रशिया हो गया, चाइना हो गया, यूएस हो गया, ना ऑल दीज कंट्रीज, जितनी भी कंट्रीज हैं, इनका खुद का अपना एक फिएट करेंसी है जिसकी वजह से ये अपनी इकोनॉमी चलाते हैं, एंड ऑफ कोर्स सारी गवर्नमेंट्स को एक दूसरे के बारे में पता है कि जो भी इनकी फिएट मनी प्रिंट होती है, देर इज नो गोल्ड रिजर्व, देर इज नो बैकअप, करेक्ट? नाउ सो जब भी इनके बीच में मतभेद होते हैं, जब कंट्रीज के बारे में, जैसे कि हम लोग ने अभी रिसेंटली देखा चाइना एंड यूएस, यूएस का तो चलते ही रहता है हमेशा, रशिया और यूएस का चलते रहता है, एंड अभी तो रिसेंटली ईरान का भी हुआ, तो जैसे ही डिफरेंट ये जो गवर्नमेंट्स हैं इनके बीच में कोई मतभेद होता है बिकॉज ऑफ सो मेनी अदर रीजन्स, इट कुड बी जेलसी, इट कुड बी अ सेंस ऑफ सुपीरियरिटी कि हम लोग बेटर हैं, हमारी इकोनॉमी बेटर है, और वट एवर एनी डैम रीजन जिसकी वजह से इनके बीच में मतभेद होता है, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू इज मनी, दैट वाई शुड आई टेक योर मनी? सो एंड दिस इज द थिंग विद द फिएट मनी, यू डोंट हैव जस्ट वन फिएट मनी, एक फिएट मनी नहीं है, बहुत सारे फिएट मनी है, अलग अलग देशों के फिएट मनी है, और जब देशों में कोई मतभेद होता है तो ये देश ही एक दूसरे का फिएट लेने को तैयार नहीं होते, और ये बहुत बड़ा इश्यू है। तो आपको एक न्यूट्रल पोजिशन लेना है, एक न्यूट्रल करेंसी लेनी है जो किसी भी कंट्री में ना हो, तो आखिर आई थिंक वहां पे बिटकॉइन का एक रोल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले होता है, क्योंकि गवर्नमेंट्स को भी पता है कि इसका कंट्रोल किसी एक गवर्नमेंट के पास में नहीं है, ना तो एक कोई एक बंदा या कोई गवर्नमेंट मैनिपुलेट कर सकती है, क्योंकि जब झगड़े होते हैं, जब लड़ाई होती है दोनों के बीच में, जब मतभेद होता है, तो यही तो होता है, मैं तुम्हारी चीजें एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तो मेरी चीजें एक्सेप्ट मत करो। अब इसमें नुकसान किसका होता है? ऑब्वियसली पब्लिक का होता है। सो आई थिंक दिस इज वेयर द नीड ऑफ बिटकॉइन कम्स, बिकॉज बिटकॉइन डज नॉट बिलोंग टू वन पर्टिकुलर कंट्री, बिटकॉइन इज नॉट यूएस करेंसी, बिटकॉइन इज नॉट रशियन करेंसी, बिटकॉइन इज नॉट इंडियन करेंसी, सो नाउ यू हैव टू रिलाय ऑन समथिंग विच इज न्यूट्रल, विच डज नॉट बिलोंग टू अ कंट्री, विच डज नॉट बिलोंग टू अ पर्सन, राइट? एंड आई थिंक दिस इज समथिंग पीपल हैव सीन, लाइक यू एंड मी, हम लोग ने तो ऑब्वियसली देखा है, हम लोग ने ऑब्जर्व किया है, आई थिंक स्लोली इवन गवर्नमेंट्स आर रियलाइजिंग इट। सो आई मीन ये परसों की बात है, आई थिंक कल की बात है ये, तो रशिया इज प्लानिंग टू डिच यूएस डॉलर फॉर बिटकॉइन। नाउ दिस इज वेरी सिंपल गाइस, एंड व्हाई वुड दे डू दिस? सिंपल, व्हेन इट कम्स टू फिएट मनी, वी ऑल नो दैट फिएट मनी देर इज नो गोल्ड स्टैंडर्ड राइट नाउ, तो किसी भी कंट्री का ऐसा नहीं है, यूएस को खुद को पता है कि इंडिया का फिएट इज नॉट गोल्ड बैक्ड बाई गोल्ड, और चाइनीज का फिएट फिएट इज नॉट बैक्ड बाय गोल्ड, सो व्हाई शुड यूएस एक्सेप्ट योर फिएट करेंसी, राइट? सो व्हाट रशिया इज डूइंग, अभी तक तो लोगों को पता था, अभी रशिया इज डिचिंग यूएस डॉलर प्रोबेबली फॉर बिटकॉइन, सो इट इज अ वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। तो वहां पे जो इकोनॉमिस्ट हैं, ऑफ कोर्स लैडिस्लाव जिनको, बट इन्होंने बताया है कि जो रशिया के जो रिजर्व्स हैं, ओके, जो भी यूएस डॉलर का रिजर्व है, दैट यूएस डॉलर का रिजर्व वो लोग ट्रेड करेंगे फॉर बिटकॉइन, एंड इट डज मेक सेंस बिकॉज यूएस डॉलर रिजर्व अगेन इज कंट्रोल्ड बाय फेडरल रिजर्व, बट बिटकॉइन इज नॉट कंट्रोल्ड बाय एनीवन। अल्टीमेटली आई थिंक गवर्नमेंट्स, आई थिंक लोग तो ऑलरेडी जंप कर रहे हैं बिटकॉइन पे, आई थिंक अल्टीमेटली गवर्नमेंट्स विल ऑल्सो स्टार्ट जंपिंग इन बिटकॉइन, इज वॉट माई अजम्पशन इज। So let me know guys, what do you think about this thought? Share your opinion in the comment box below, and I'll see you next time.